अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट। तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट है, मगर शुरू करने से पहले मैं आप लोग से दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी बजाएं ताकि आप लोगों को मजीद लेटेस्ट क्रिकेट एंड रेसिंग अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। दौलत के नशे में चूर भारतीय बोर्ड की जानिब से आईसीसी को आंखें दिखाने का सिलसिला जारी है। चैंपियन ट्रॉफी को वर्ल्ड टी20 में तब्दील करने की तजवीज़ पर देश में आ गया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी ने कहा कि आयुनर की तब्दीली से हमें $30 मिलियन का नुकसान होगा। आलमी गवर्निंग कौंसिल को भारत से होने वाली आमदनी अजीज है, हमारे मफादात नहीं। अपने मुल्क के बच्चों पर आयरलैंड या पाकिस्तान वालों को तरजीह नहीं दे सकते। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता बरस ऑकलैंड में होने वाले आईसीसी मीटिंग के दौरान एक तजवीज़ ये भी सामने आई थी कि 2021 में भारत में शेड्यूल चैंपियन ट्रॉफी की जगह वर्ल्ड टी20 का इनका किया जाए। यही तजवीज़ एक बार फिर कोलकाता में होने वाले आईसीसी मीटिंग में भी पेश होने वाली है, मगर इससे कबल ही भारत ने शोर शराबा शुरू कर दिया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी ने कहा कि इससे हमें $30 मिलियन का नुकसान होगा, हमारे लिए तजवीज़ नाकाबिले कबूल है। उन्होंने एक बार फिर आईसीसी के चेयरमैन मनोहर को हदब तनकीद बनाते हुए कहा कि जब भी हमारे हवाले से कोई अहम ब्रीफिंग वगैरह हो तो वो गायब होते हैं। याद रहे कि आईसीसी पहले ही 2020 के वर्ल्ड टी20 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया, जबकि चैंपियन ट्रॉफी 2021 और वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी भारत को दे चुका है। अमिताभ चौधरी ने कहा कि आईसीसी भारतीय मफादात को नज़रअंदाज करता मगर दौलत को हासिल करना चाहता है। हम कैसे अपने मुल्क के किसी दूर दराज इलाके में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे की ज़िंदगी को कमतर करते हुए आयरलैंड या पाकिस्तान में किसी क्रिकेट खेलने वाले की ज़िंदगी संवार सकते हैं। वैसे भी चैंपियन ट्रॉफी हमारे नज़दीक इसलिए भी अहम है कि ये अनजहानी जगमोहन डालमिया की मुतारिफ करदा वनडे क्रिकेट को मुस्तकिम करने के लिए है। दोस्तों, ये थी चैंपियन ट्रॉफी को वर्ल्ड टी20 में तब्दील करने के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स से ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ वाली बेल आइकन की अलामत पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मज़ीद स्पोर्ट अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। इन अल्लाह हाफिज़।